पंजाब सरकार की ओर से रमन अरोड़ा को खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं उनके वाइस चेयरमैन बनने पर चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत सिंह नागरा की ओर से उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं रमन अरोड़ा ने दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जलंधर में पहुंचकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से आशीर्वाद लिया और उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से मिली वाइस चेयरमैन की नोटिफिकेशन का पत्र शीतल विज को सौंपा। इस दौरान शीतल विज ने रमन अरोड़ा की इस बड़ी उपलब्धि पर उनका मुंह मीठा करवाकर बधाई दी और समाज में इसी तरह लोगों की सेवा करते रहने का आशीर्वाद दिया। इसी के तहत चंडीगढ़ में डायरेक्टर सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक विभाग आईएएस अधिकारी भूपिंदर सिंह ने खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन बनने पर रमन अरोड़ा को पंजाब सरकार द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर नवनियुक्त वाइस चेयरमैन रमन अरोड़ा ने उन्हें सम्मानित करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज की सेवा के लिए वह हमेशा अग्रसर रहेंगे। इस मौके पर अरोड़ा खत्री महासभा के चेयरमैन मुनीश बजाज, प्रधान राजकुमार मदान सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट।